भारी हंगामे और विरोध के बीच नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया, लेकिन अब राजनीतिक दलों के बीच इस बिल को लेकर जंग छिड़ गई है। नागरिक संशोधन बिल पास होने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पटना पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी NRC लागू होगा। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद JDU तिलमिला उठी और गिरिराज सिंह पर पलटवार भी किया। JDU नेता श्याम रजक ने गिरिराज सिंह पर हमला करते हुए कहा, गिरिराज सिंह अपना विभाग ठीक से देखते नहीं है। लगता है कि पटना पहुंचते ही गिरिराज सिंह के पेट के अंदर कोई ऐसा कीड़ा है जो कुलबुलाने लगा है। मेरी प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि गिरिराज सिंह के कीड़े का इलाज करवाएं। रजक ने कहा कि गिरिराज सिंह समझ लें, बिहार में किसी भी कीमत पर NRC लागू नहीं होगा। श्याम रजक ने गिरिराज सिंह को PM मोदी के लिए सिरदर्द बताते हुए जल्द ही इसे इलाज कराने की सलाह भी दी। श्याम रजक के तेवर से फिलहाल इतना तो साफ है कि बिहार में NRC लागू करवाना BJP के लिए इतना आसान नहीं है। दरअसल JDU के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने नागरिकता संशोधन बिल पर विरोध की जो शुरुआत की थी, उसके बाद बिहार में JDU में हलचल तेज हो गई थी। लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने नागरिकता संशोधन बिल पर थोड़ा नरम रुख दिखाया, लेकिन NRC की तुलना नोटबंदी से कर BJP पर निशाना साधा। अब एक सुर में JDU के नेता NRC का विरोध कर रहे हैं।